हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम नंबर 9 यानी कि जो हम डिजिट में नंबर 9 लिखते हैं उससे आज हम बहुत ही अमेजिंग एक ड्राइंग बनाएंगे। सो मैंने पिछले 8 वीडियोस में नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सबसे मैंने आपको ड्राइंग बनाना सिखाया था। सो आज 9 से बनाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पहले से एक 9 बना लिया। ओके, 9 मैंने यहाँ पे ऐसे बना लिया एक डार्क सा। मैं मार्कर यूज़ कर रहा हूँ ड्रॉ करने के लिए। आप मार्कर मत यूज़ करिए, आप पेंसिल यूज़ करिएगा। मैं मार्कर इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत डार्क होता है तो आपको कैमरा में इजीली दिखेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मैं यहाँ पे 9 का जो ये सर्कल है इसके बगल में एक और सर्कल बना देता हूँ। ओके, इसके बगल में एक और सर्कल बना देता हूँ, फिर यहाँ पे भी एक और यहाँ पे भी एक, और इसके नीचे भी मैं एक बना देता हूँ, इसके भी नीचे एक बना देते हैं, फिर ये जो इसका है इस टर्निंग पे भी हम एक सर्कल बना देते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ इस साइड पे भी एक सर्कल बना देते हैं, फिर इस साइड पे भी एक। सो यहाँ पे हम 3 बनाएंगे सर्कल्स। ऊपर में हमने 1, 2, 3, 4, 5 बनाया, यहाँ पे 4, यहाँ 3, अब इधर बनेगा 2 और लास्ट में बनाएंगे 1। सो 9 से हमने ये बनाया है। सो आप इस फ्रूट का नेम मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। ओके, सो हमने 9 को यूज़ करके यहाँ पे ग्रेप्स बनाया है ना। सो ग्रेप्स का स्पेलिंग आप मेंशन करिएगा कमेंट में। सो चलिए एक और 9 बना देते हैं। ओके, सो इस 9 से देखते हैं हम क्या बना सकते हैं। आप ऐसा ही 9 ड्रॉ करिएगा फिर, ठीक है। मैंने यहाँ इसे कनेक्ट कर दिया, फिर यहाँ से मैं एक बड़ा सा राउंड बनाऊंगा जो कि अंदर की तरफ ऐसे राउंड राउंड आएगा। ओके, फिर यहाँ 2 लाइंस बना देंगे। सो यहाँ पे एक मैंने स्नेल बना दिया, स्नेल की बॉडी बनाने के लिए। ये यहाँ ऐसे कनेक्ट रहता है ना, इसका जो शेल होता है। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्नेल का आप नेम मेंशन करिएगा। ओके, स्नेल का स्पेलिंग आप लिखिएगा और ग्रेप्स का भी। सो चलिए, मैंने इसे ड्रॉ तो कर लिया है, चलिए इसे कलर भी करके देख लेते हैं। तो कलर करने के लिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ऑयल पेस्टल कलर यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रेप्स में मैं ग्रीन ही कलर करता हूँ। ग्रेप्स आपने खाया ही होगा ना, ग्रीन कलर का होता है। और भी बहुत कलर के होते हैं बट मैं ग्रीन ही करता हूँ। ग्रेप्स जैसे कि आपका ब्लैक कलर का भी होता है, रेड कलर का भी होता है ना। बट मैं ग्रीन वाला ही बनाता हूँ। इसे मैं फटाफट कलर कर देता हूँ। आप ज़्यादा स्पीड में मत करिएगा, नहीं तो ये कलर इस बॉर्डर के बाहर नहीं आना चाहिए। ओके, स्पीड में करेंगे तो बाहर आ सकता है। आप आराम से ही कलर करिएगा, और वाइट जो पेज दिखता है ना कलर के बीच में, वो भी नहीं दिखना चाहिए। फटाफट से मैंने इसे यहाँ पे कलर कर दिया ऑलमोस्ट। ये ऑलमोस्ट हो गया। आपका सवाल होगा कि ये जो बीच में जो वाइट वाइट है ना, ये जगह, ये सब जगह, यहाँ 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 इधर क्या करें, तो इधर पे आप डार्क ग्रीन कर दीजिएगा। ओके, मैंने जैसे यहाँ पे इसे डार्क ग्रीन किया है, अंदर के जो बचे स्पेसेस हैं। ये मैंने डार्क ग्रीन इसी के लिए किया क्योंकि पीछे जो ग्रेप्स है ना वो तो दूर है। दूर वाला हमेशा डार्क होता है। ओके, अगर मैंने इसे लाइट ग्रीन किया है ना, तो पीछे वाला को हमें डार्क ग्रीन ही करना पड़ेगा। ओके, मैंने इसे कलर कर दिया। चलिए इसके ब्रांच में भी कलर कर देते हैं। मैं इसके ब्रांच में ब्राउन कलर यूज़ कर देता हूँ। ओके, स्नेल को भी चलिए कलर कर देते हैं। स्नेल को कलर करने के लिए मैं ब्राउन और पीच कलर ही यूज़ कर रहा हूँ। ओके, मैं इसके बॉडी पे पीच कलर कर देता हूँ। मैं स्पीड में इसीलिए कर रहा हूँ ताकि ये वीडियो थोड़ी लंबी ना हो पाए, आप फटाफट देख के सीख पाए। ओके, और इसका जो शेल होता है, शेल पे मैं लाइट में ब्राउन कर देता हूँ। ये ऑलमोस्ट हो ही गया है। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये ब्लैक लाइन के बाहर ना जाए। ओके, जो आप पेंसिल से बनाएंगे, जो पेंसिल का मार्क रहेगा उससे दूर ना जाए कलर। मैं इसे भी थोड़ा ठीक कर देता हूँ। यहाँ इसके जो ब्लैक लाइन है इस पर थोड़ा कलर लग गया है, तो मैं इसे हल्का डार्क कर देता हूँ।
सो बहुत ही जल्दी हमने यहाँ पे 9 से 2 ड्राइंग्स कंप्लीट कर लिए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।